नमस्ते मैं डॉक्टर अपार अग्रवाल आई एम अ प्रैक्टिसिंग कंसल्टेंट लंग्स स्पेशलिस्ट एंड इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट आई एम प्रैक्टिसिंग इन मेरठ फॉर पास्ट टू इयर्स इन उत्तर प्रदेश मेरठ इनिशियली आई बिन वर्किंग इन अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन साकेत न्यू डेली सो आज हम बात करेंगे वॉट आर दी बेस्ट प्रैक्टिस टू कंट्रोल आस्थमा एस्थम हम सब जानते हैं लंग्स का डिसीज़ है बहुत से लोग हैं जो इस बीमारी से या तो परेशान हैं या इस बीमारी का डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है और या फिर इसकी दवाइयाँ इन्हेलर्स गोलियाँ एंटीलॉजिक खांसी का सिरप ले ले के परेशान हो चुके हैं सो so, अब इसको तरीका क्या है कैसे हम इसको बेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं एस्थमा इज़ अ प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल डिजीज़ क्या मायने हैं इसके प्रिवेंशन प्रिवेंटिंग फ्रॉम ट्रिगरिंग फैक्टर्स ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं बदलता मौसम सर्द गर्म ठंडी चीज़ें ए सी कूलर की हवा या हमारा खान पान ड्राई फ्रूट्स खट्टी चीज़ें टमाटर की चटनी ये सब चीज़ें हमें ट्रिगर करती हैं आस्थमा को हमारे सो द फर्स्ट थिंग इज़ टू प्रिवेंट आर सेल्फ फ्राम ट्रिगरिंग फैक्टर्स द फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग इज़ जब भी हमें लगता है कि हमें एकदम से सांस का अटैक आया हमें दिक्कत हो गई आस्थमा का फर्स्ट ऑफ ऑल सिट स्ट्रेट अपराइट स्टेप टू आपका इन्हेलर पफ होता है उसको आप हर 10 से 30 सेकेंड में उस पफ को लेंगे पफ लीजिए रिलैक्स अगेन 30 सेकेंड पफ लीजिए रिलैक्स आप ऐसा 10 बार तक या 10 पफ तक आप ले सकते हैं आराम पड़ जाएगा वेल well गुड अगर आराम नहीं पड़ता टेन टाइम्स पफ लेने के बाद भी तो गो फॉर एमरजेंसी और मेडिकल हेल्प अगर एमरजेंसी या मेडिकल हेल्प आने में टाइम लग रहा है तो सेम प्रक्रिया बैठना पफ टेन सेकेंड्स वेट पफ टेन सेकेंड्स वेट आप रिपीट कर सकते हैं आफ्टर फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स सेकेंड थिंग तीसरी थिंग चीज के बारे में बात करेंगे हम कि हमने ये सब हमने दवाई ले ली हमने अपना डाइट का ध्यान रख लिया तीसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं तीसरी चीज़ है इनटेक ऑफ मोर एंड मोर ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स चुकंदर बीटरूट या फिर एप्पल पपाया रिच इन एंड रिच सोर्स ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स खरबूजे की गिरी नॉर्मल चीज़ है घर घर में मिलती है तो ऐसी चीज़ों का आप सेवन बढ़ा दीजिए जिसमें एंटी ज़्यादा होते हैं ताकि बॉडी की सेंसिटिविटी जो इतना सेंसिटिव इतना नाजुक हो गया है इम्यूनिटी अच्छी होगी और हम बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे चौथी चीज़ सबसे ज़रूरी शायद दवाइयों से भी ज़्यादा ज़रूरी वो है आपका वैक्सीनेशन एस्थमा के पेशेंट को कम इम्यूनिटी की वजह से बार बार बीमार पड़ना हो जाता है बार बार निमोनिया होने की उम्मीद बढ़ जाती है वैक्सीनेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल आस्थमा क्या वैक्सीनेशन निमोनिया की वैक्सीन न्यूमोकोकल्स ईयरली फ्लू शॉट्स इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन तीसरा जो आजकल नया हमको देखना पड़ रहा है या हमें उस दौर से गुजरना पड़ रहा है कोविड वैक्सीन टू प्रिवेंट आर सेल्फ फ्राम दिस पेंडेमिक कोविड एंड फोर्थ इज द न्यू इंटरवेंशंस जैसे जैसे वक्त बदलता है हम एडवांस होते हैं ऐसे ऐसे जो भी नई वैक्सीन्स आती हैं फोर्थ मतलब जो भी नया वैक्सीन आएगा हमें वो लेना है सो वैक्सीनेशन इज़ द प्राइम थिंग जो हमें आगे होने वाली बीमारियों से बचा सकेगा तो चार पॉइंट्स टू कंट्रोल ब्रोंकेल आस्थमा पॉइंट वन इज़ अ डाइटरी हैबिट गुड गुड फूड proper time proper diet second thing comes your medicine sit upright whenever you have asthmatic attack and take your puffs and repeat the process after 15 to 20 minutes you will feel better if not then consult a doctor or go or visit an emergency third thing which i told you is vaccination vaccination is the prime and the foremost thing and the last comes द डेली प्रैक्टिस विच इवन द मीडिया द न्यूज़ चैनल आर टीचिंग मास्क पहन के रहिए सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए भीड़ भिड़ा का गंदगी वाले इलाके में जाना अवॉइड कीजिए जाना है हमारा काम है मजबूरी है मास्क पहन के जाइए खाना खाने से पहले अपने भी हाथ धोइए अपने बच्चों के भी धुलवाइए और अपने घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको भी बोलिए कि बिना हाथ धोए खाना नहीं खाना है ये कुछ बेसिक प्रैक्टिस होती हैं इससे ना ही सिर्फ हम एस्थमा बल्कि और भी बहुत सी बीमारियाँ हैं जो जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है जैसे जैसे हमारा लाइफ हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ वर्क शेयर प्रेशर्स किसी को पढ़ाई करनी है एग्ज़ाम देना है स्ट्रेस एंजाइटी मेजर ट्रिगरिंग फैक्टर ऑफ़ एस्थमा होता है उन सब से बचिए उन सब से हम बचेंगे अपना ध्यान रखेंगे हमारा आस्थमा विल बी परफेक्टली कंट्रोल्ड आस्थमा तंग ही तब करता है जब हम लापरवाही करते हैं हमें लापरवाही नहीं करनी इट इज़ आर मनी वी नीड टू सेव इट वीन वी डोंट वॉन्ट टू स्पेंड इट ऑन अननेसेसरी मेडिकेशंस, ऑन अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस एंड अननेसेसरी हॉस्पिटल विजिट्स सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ